बात यह है कि असल में जो महिलाएं कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, बैंक में है, रेल में, हर जगह मतलब, और फिर स्कीम है अलग अलग, जैसे आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, मदर ग्रुप है, मिड डे मील है, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये महिलाएं नारा तो यू था कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को मजबूत करो सशक्त करो, ये नारा ये मोदी की सरकार में खट्टर की सरकार में कुछ पहला भी लग गया, लेकिन असल के है, असल यू है समाज में महिलाओं को वो जो बराबरी का दर्जा का मामला है वो नहीं है, बराबरी का दर्जा दो नंबर का दूसरा दर्जा के नागरिक मानी जो है संविधान में नहीं है, संविधान में बराबर का दर्जा है, लेकिन आम समाज में सामान्य धारणा यह है कि महिलाएं है इनका, और पहला तो यह थी और का बोला बुद्धि पाछा मत हो है बोला इसका के यू कहा कर दे, लेकिन समाज में अपना स्थान बनाया है, इन लड़ाइयों से बना है, इन आंदोलनों से बना है, इस जागरूकता से बना है। मैं आपको हरियाणा की अगर या फिक्र दे दू, आंगनबाड़ी होंगी मेरे ख्याल में 50-52 हजार, आशा वर्कर होंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत, मिड डे मील, मदर ग्रुप, पता नहीं कितनी कितनी महिलाएं इतनी सस्ता मनुटी जा रही पिटाई करती जा रही हरियाणा, मतलब बराबर का दर्जा कहाँ है, काम का भी लोट फालतू पाएगा, आंगनबाड़ी पर जनगणना भी आंगनबाड़ी पर करवाओगे, डॉक्टर का भी हिसाब किताब सारा जनगणना जन्म मृत्यु दर और क्या कितने काम मेरे वो तो करवाओगे, लेकिन जिनके मध्य में आए बजट में थे फिर कहेंगे बजट में तो सही नहीं, रवि बजट क्या करा आप मन करा नू लाग जा कर बजट में मारा तो क्या है, यू बजट टैक्स से बढ़ता है, जितने भी टैक्स है रहा कोई खेती को करी सरकार है वो फैक्ट्री नहीं ला रही, यू जनता पर टैक्स दे है, चाहे वो डीजल पर दे है, पेट्रोल पर दे है, रात में तड़के में उठोगे चीनी चाय पियोगे, चाय खातिर भी चीनी चाहिएगी, चाय चाहिएगी और दूध चाहिएगा, अगर थैली वाला दूध है उसका भी टैक्स लग गया है, यू घर के जो रम आम है उसका तो बेड़ा पर पड़ता इस पर टैक्स का पीछे लग रहा है, लेकिन टैक्स उस पर भी है, उसका जो रेट तय कर रखा है फैटा के हिसाब किताब से उसमें भी टैक्स है, तो टैक्स हर आदमी देता तड़का तड़का उठते चाय पर चीनी पर जूता पर कपड़ा पर बस में बैठ जाओगे बस में क्या कह डालेगा टैक्स लग गए, टोल टैक्स भी जोड़ रखा है मैं, सरकार का टैक्स भी जोड़ रहा, यू टैक्स जनता देती है, यू टैक्स ही खट्टर नहीं दिंदा, मोदी नहीं दिंदा, इनका बाप का नहीं है यू टैक्स, यू बजट इनका नहीं है, बजट जिनका टैक्स जो टैक्स दे है उनके लिए बैठे होना चाहिए, यू जो बजट है बजट जनता के पैसे से बनता है तो जनता बगैर होना चाहिए, लेकिन खर्च कौन करते है? हमने जो नूकेंगे के वो बजट में 30 होने और उनके बड़े बड़े जो तोड़ बैठे हैं पूरे उनके कर्जे माफ करे हैं,
पांच साल में इस मोदी सरकार ने 7.5 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया। ये बैंकों में वित्तीय साधन तय का है। एक एक पूंजीपति 23-23 हजार करोड़ रुपये, 15-15 हजार करोड़ रुपये बैंकों में तो देश है, सरकार दिवाला है। अरे अमरीका को अमरीका पाओ, कोई इंग्लैंड पाओगा, कोई स्विट्जरलैंड पाओगा, अरे हिंदुस्तान में कौन हो रहा है खरीद लिया बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी जमीने विदेशों में, और ये इसे लूट के देश में ले जाएंगे। ये गुजरात के है गए, मोदी के चेले है, खट्टर के चेले है। और अरे समस्या क्या है कि अरे तो मतलब खून चूसण में खाल तारने में कसर नहीं छोड़ रखी जनता की। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खान का तेल महंगा, ऐसी चीज सब्जी तो ले लो, अच्छे से ले लो, जो किसान का चला गया है तुम्हें फिर वो उसका 5 लाख नहीं है पूरी। जनता तो रजा है जब खाना तो है फिर उससे ही पूरा महंगा बना है। अब यू सवाल है जिसने देखने की जरूरत है, अभी यूपी चुनाव था, क्या है बड़ा लाभार्थी थे, लाभार्थी मिला गरीब महिलाओं को राशन दे रखा था, राशन उनके बाद का है गे राशन तो आज तो मैं जिस दिन मतलब पढ़ा करता मैं बार में जॉब मिले उस टाइम का राशन मिला है, उस टाइम को 12 चीज मिला कर दी, कपड़ा भी, पेंशन भी, खाद भी, तेल भी, साबुन भी और गेहूँ भी सस्ता में मिला करता। अभी भी मोदी सरकार आई इससे पहले 1 रुपया किलो गेहूँ मिला कर दे 35 किलो हर परिवार में घटा के 5 किलो एक आदमी पे कर रखे हैं। ये यूपी में कह दे बोला राशन जा है हमें फ्री में जा है। अरे भाई अब तुम राशन जो 5 किलो एक रुपया किलो पर बात है उसका वो फ्री कर दिया 5 रुपया में वोट ले गए, 5 रुपया में वोट ले, 35 किलो दे दिया तो 35 किलो, अगर डबल दे दिया तो 60 रुपया में वोट ले लाए रहे नुगा मतलब मदद करा। अरे क्या योजना बता षड्यंत्र, पहले तो भूखे रखो, भूखे मारो लोगों को, ना काम दो ना धंधा दो, आप मर्जी भूखे साधन के में है नहीं। फिर उनकी अगर रोटी के जो है ना एक मिसाल है 12 करोड़ था और मलाई मांगा था, रोटी में मलाई करते हैं ना, मलाई थी नहीं, वो आ गया करा बाबू बोला के ज्ञान छोड़ा क्यों रो है, बोला मलाई मांगा है, बोला नो ज्ञान करे ये तू खोस ले मलाई भूल जावा और चूप पर खुश हो जाएगा, चुपके चुपके चूप मांगेगा फिर मलाई नहीं मांगेगा। तो यू काम कर रखा जनता कर ले इस देश में 10 घराने हैं, 10 कंपनी, इस देश की जितनी संपत्ति है ना, जमीन जायदाद रेल जहाज हवाई जहाज का